इस प्रीसेट को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा के आप चाहें तो इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। Bluetooth mode paired. इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे MDF बोर्ड का यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे एक बॉक्स में बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इसके आगे की साइड में मैं थोड़ा सा फेविबॉन्ड लगाऊंगा। अब लेंगे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसके अंदर डिस्प्ले को छोड़ के बाकी बहुत सी चीजें हैं। इसके अंदर IR सेंसर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप चाहे तो इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों जो कनेक्टर हैं, ये स्पीकर के लिए दिए हैं और ये रेड वाला जो कनेक्टर है ये बैटरी का है, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई। अब इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को मैं यहाँ पे फिक्स कर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे इसके साथ 3 कनेक्टर मिले थे, तो यहाँ पे 2 कनेक्टर को ले लेते हैं और ये जो स्पीकर के आप टर्मिनल देख रहे हैं, इन दोनों कनेक्टर को इन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, तो बस आपको देख के ही कनेक्शन करने हैं। अब यहाँ पे 2 स्पीकर लेंगे 5+5 वाट के, क्योंकि हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये भी 5+5 वाट का है, यानी टोटल 10 वाट का। तो यहाँ पे ये जो स्पीकर है इन्हें मैं यहाँ पे फिक्स कर लूंगा। आप किसी भी दोनों स्पीकर के वायरों को लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे स्पीकर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये पॉजिटिव है, अब यहाँ पे इसका नेगेटिव वायर बच गया। तो यहाँ पे ये जो स्पीकर का नेगेटिव है इसके साथ मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने 1 स्पीकर के कनेक्शन कर दिए। अब दूसरे स्पीकर को लेंगे और इसे भी यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब इसके जो वायर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको ध्यान में रखते हुए स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो वायर है ये स्पीकर का पॉजिटिव वायर है, तो इसे स्पीकर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसका नेगेटिव वायर बच गया, तो इसको स्पीकर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब लेंगे एक DC-DC बक कन्वर्टर LM2596, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आउटपुट प्लस, ये आउटपुट का माइनस, और यहाँ पे ये इनपुट प्लस, इनपुट माइनस। तो यहाँ पे इसके इनपुट में हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसके आउटपुट से हम 5 वोल्ट की सप्लाई ले लेंगे। अब एक 12 वोल्ट का DC फीमेल जैक कनेक्टर लेंगे। तो यहाँ पे इसका ब्राउन वाला वायर जो है पॉजिटिव है और ब्लू वाला इसका नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव नेगेटिव को हम मॉड्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्राउन वाला पॉजिटिव वायर है इनपुट प्लस के साथ कनेक्ट होगा, और यहाँ पे ये जो ब्लू वाला नेगेटिव वायर है इनपुट माइनस के साथ कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का सप्लाई का कनेक्टर बच गया है ना, तो इसके कनेक्शन हमें करने हैं। तो यहाँ पे ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं ना, इसके आउटपुट प्लस के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इसका ये जो दूसरा वायर बचा हुआ है इसे आउटपुट माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस कनेक्टर को यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल का ये जो सप्लाई वाला टर्मिनल है इसमें कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, तो अब बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव देख के ही वायर को कनेक्ट करना है। अब 2 वायर और लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव के लिए ग्रे वाला हो जाएगा और पॉजिटिव सप्लाई के लिए व्हाइट वाला। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव है इनके साथ सिंपली इनको कनेक्ट कर देंगे। अब इस जगह पे थोड़ा सा ग्लू लगा के इस मॉड्यूल को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्लू लगा के ये जो कनेक्टर है इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये जो कनेक्टर है इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, इसके मॉड्यूल में होते हुए इसके आउटपुट से हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जिससे हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन होगा। और इसी आउटपुट से हमने 2 वायर और कनेक्ट कर लिए हैं 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए। ये मैंने क्यों किया मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पे इस जगह पे मैं ड्रिल मशीन की मदद से एक होल करूँगा, तो चलिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। ये जो होल है इसको मैंने आर पार कर लिया है। अब पीछे की साइड से इसी होल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि मैं यहाँ पे इस नट को फंसा सकूँ। अब यहाँ पे सुपर ग्लू की मदद से इस नट को अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। अब लेंगे एक VCD, तो यहाँ पे इस प्रकार की एक VCD आपको ले लेनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कुछ होल भी किए हुए हैं। अब लेंगे एक 3 mm की LED, तो यहाँ पे इसकी बड़ी लैग पॉजिटिव होती है और छोटी वाली इसकी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो होल किए हैं इसके अंदर इस LED को फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने होल किए हैं इन सभी के अंदर इन 3 mm की LEDs को मैं लगा लूँगा। अगर आप इसे बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 5 mm की LEDs का यूज़ करना है। मेरे पास नहीं थी तो मैंने 3 mm की LEDs का यूज़ किया, और यहाँ पे ये जो 3 mm की LED जितनी भी मैं लगा रहा हूँ ये सभी की सभी ट्रांसपेरेंट है और सभी अलग अलग कलर की हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ना 2 LEDs का यहाँ पे पेयर बनाऊँगा।
तो यहाँ पे इस एलईडी का नेगेटिव और इस एलईडी का नेगेटिव आपस में मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक ऐसे ही इन दोनों एलईडीज के जो पॉजिटिव आप देख रहे हैं इन्हें भी मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा। ऐसे ही मैं सभी एलईडीज के साथ कर लूंगा, सभी के नेगेटिव नेगेटिव एक साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो एलईडी है इन सभी के जितने भी नेगेटिव पॉइंट है ना इन सभी को शोल्ड कर देंगे। अब बाकी के जो भी पॉजिटिव पॉइंट इनके बचे हुए हैं इनको भी हम शोल्ड कर देंगे। अब एक जम्पर वायर लेंगे और यहाँ पे इस एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हुए दूसरे वाले एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक ऐसे ही एक और जम्पर वायर लेंगे एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हुए दूसरी वाली एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी एलईडीज के नेगेटिव पॉइंट्स है ना इन सभी को मैं आपस में शोल्ड कर दूंगा जिससे कि हमारा एक ही ग्राउंड आ जाए, क्योंकि ग्राउंड हमारा एक ही होता है। अब एक जम्पर वायर लेंगे और यहाँ पे हमने जितनी भी एलईडीज के नेगेटिव आपस में कनेक्ट किया है इस बीच में इस वायर को हम कहीं भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूरा ना हमारा ग्राउंड हो गया और ग्राउंड के लिए हमने एक अलग से वायर निकाल लिया ग्राउंड का। अब यहाँ पे जितनी भी एलईडीज आप देख रहे हैं पॉजिटिव इनके बच गए हैं तो इन सभी एलईडीज के पॉजिटिव से एक एक वायर कनेक्ट कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो वायर है ये तो हो गया ग्राउंड के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ये जो चार वायर पॉजिटिव के आप देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा एक फोर चैनल। अब इसी के साथ हम लेंगे एक यहाँ पे एलईडी चेसर, तो यहाँ पे BC547 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए हैं। तो चलिए इसे ना पीछे की तरफ पलटते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ ये चार चैनल के कनेक्शन कहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे एक चैनल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो यार ये ही है हमारे चार चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चार वायर पॉजिटिव के आप देख रहे हैं ना इन चारों वायरों को हम एक एक ट्रांजिस्टर के एक एक चैनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आगे की तरफ से आपको दिखा दूँ ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी जो थर्ड वाली लैग आप देख रहे हैं ना ई मीटर की, तो फ्रेंड्स हर एक ट्रांजिस्टर की जो ई मीटर की लैग है वो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो इन सभी ट्रांजिस्टर की जो ई मीटर की लैग है इन्हीं पे हमें एक एक वायर कनेक्ट करना है, कैसे भी हम कोई सभी वायर किधर भी कर सकते हैं। तो चलिए इन चारों ही पॉजिटिव वायर को हम एक एक चैनल पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कोई सा भी वायर आप किसी भी चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और ठीक इसी के बगल में प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये जो ग्राउंड का वायर है पहले इसे माइनस के साथ कनेक्ट कर लेंगे। यार यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस है ना तो इसी पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई भी देनी है। अब एक वार्सल लेंगे और यहाँ पे रख के और इसके अंदर ना बोल्ट को फंसा देंगे। अब पीछे की साइड से एक और वार्सल इसके अंदर हम लगा लेंगे। अब इसको नट की मदद से ना इसको कस लेंगे अच्छी तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जो होल किया था इसके अंदर हम क्या करेंगे अपने इस एलईडी चेसर को लगा लेंगे। तो पहले ही हमने यहाँ पे एक नट लगाया हुआ है तो आराम से ये इसके अंदर कस जाएगा, तो इसको घुमा के हम कस लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 5 वोल्ट सप्लाई के लिए जो दो वायर निकाले थे ना एलईडी चेसर में इनको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस एलईडी चेसर को हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है वहीं पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला वायर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो माइनस का नेगेटिव वायर बचा है तो इसको यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो एलईडी चेसर है इसको भी मैं नीचे की साइड में यहीं पे कहीं एडजस्ट करके फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सुपर ग्लू से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। फाइनली यार यहाँ पे इसके जितने भी कनेक्शन थे वो सभी कम्प्लीट हो चुके हैं। अब एक 12 वोल्ट का अडेप्टर लेंगे तो यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे इसे एसी लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना स्विच वुइच नहीं लगाए हैं, आप चाहें तो इसमें एक स्विच ऐड कर सकते हैं। इस एलईडी चेसर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रीसेट लगा हुआ है जिससे आप इस एलईडी चेसर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको जैसे ही घुमाता हूँ तो इसकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है। इस प्रीसेट को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा के आप चाहें तो इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यार यहाँ पे ये जो ब्लूटूथ स्पीकर हमने बनाया है इसकी एक बार शानदार टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। Bluetooth mode paired.
तो यार मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।